वीडियो का कैप्शन देख के आप भी यही सोच रहे होंगे कि क्या सच में दूधसागर बंद हो गया? क्या आप कभी दूधसागर वाटरफॉल ट्रैक नहीं कर पाएंगे? आपके सारे सवालों के आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धवल। फिर से आ गया हूँ एक नया ट्रैकिंग एंड ट्रैवल का वीडियो लेके, और ऐसे ही नए नए वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मुझे मिले इसलिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ और सोशल मीडिया के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर दूधसागर वाटरफॉल ट्रैक के बारे में पूरी डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते ही हमने ये वाटरफॉल ट्रैक कंप्लीट किया है। और मैं आपको एक ये गुड न्यूज़ देता हूँ कि फ़िलहाल ये वाटरफॉल ट्रैक ओपन हो गया है। दूधसागर वाटरफॉल ट्रैक की जर्नी स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स और वायरल वीडियोस के बारे में। कुछ महीने पहले एक ऐसे न्यूज़ भी आए थे और कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे जिसमें कोलेम स्टेशन पे बहुत सारे ट्रैकर्स जमा हो गए थे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और RPF वालों ने उनको वाटरफॉल तक जाने से रोका था। कुछ वायरल वीडियोस में ऐसा भी दिखाया जा रहा था कि RPF के जवान इन ट्रैकर्स को सिटअप्स करवा रहे हैं। तो ये सारे वायरल वीडियोस और न्यूज़ की वजह से काफ़ी सारे लोगों के माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ गए थे और काफ़ी सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि अभी दूधसागर वाटरफॉल बंद हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, उस टाइम पे मॉनसून अपने पीक पे था इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और RPF ने दूधसागर वाटरफॉल ट्रैक बंद कर दिया था। हाँ, लेकिन एक बात इम्पोर्टेंट है कि पहले क्या था कि काफ़ी सारे ट्रैकर्स रेलवे ट्रैक को फॉलो करके वाटरफॉल तक पहुंचते थे, जो सबसे इजी रास्ता था। लेकिन अभी धीरे धीरे सोशल मीडिया और रील्स की वजह से दूधसागर काफ़ी वायरल हो गया इसीलिए बहुत सारे ट्रैकर्स, बहुत सारे लोग इसको विजिट करने आते हैं। और इसीलिए RPF ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना स्टार्ट किया है। अभी रेलवे ट्रैक कम्प्लीटली ट्रैकर्स के लिए बंद कर दिया है। अगर गलती से भी आपने रेलवे ट्रैक का यूज़ करके वाटरफॉल तक पहुंचने की कोशिश की तो रेलवे एक्ट के तहत आपके ऊपर FIR हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे दूधसागर वाटरफॉल ट्रैक की जर्नी। फाइनली दोस्तों, हम पहुंच गए कोलेम स्टेशन। मॉर्निंग के 6:30 बजे है और कोलेम स्टेशन कैसे पहुंचना है वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके करीब 7:30 के आसपास अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते कि यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत फॉरेस्ट का व्यू दिख रहा है। मॉर्निंग में हल्की सी सनलाइट भी है और थोड़े से बादल भी दिख रहे हैं, लेकिन वेदर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। दोस्तों, कोलेम एक गोवा कर्नाटक का बॉर्डर पे छोटा सा गांव है जो गोवा में आता है, और यहीं से ही हमने हमारा ट्रैक स्टार्ट किया है। बारिश की वजह से आधा पौना घंटा हमने लेट स्टार्ट किया। अभी 10-15 मिनट वॉक करने के बाद यहाँ पे फॉरेस्ट की चेक पोस्ट आएगी, और आप देख रहे हैं ये हमारे साथ 4 गाइड है जो हमें वाटरफॉल तक गाइड करेंगे। तो आ गई है फॉरेस्ट की चेक पोस्ट, यहाँ से मिलेगी आपको दूधसागर वाटरफॉल तक जाने की परमिशन। याद रहे कि आपको 5:30 बजे से पहले पहले यहीं से ही एग्ज़िट करना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी करने होंगे। दोस्तों, फॉरेस्ट चेक पोस्ट क्रॉस करने के जस्ट 10 मिनट बाद हम आ गए जीप सफारी वाले रास्ते पे। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि अभी रेलवे ट्रैक पे चलना या फिर उसके बाजू में से ट्रैक करके आप वाटरफॉल तक नहीं जा सकते, ये टोटली बंद कर दिया है। तो आपको कंपलसरी फॉरेस्ट के रास्ते से ही वाटरफॉल तक पहुंचना होगा। और इसी बीच हमारे गाइड ने लिया है लेफ्ट टर्न, शायद कोई शॉर्टकट ट्रेल होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको कम्प्लीटली वाटरफॉल तक जीप सफारी वाला रास्ता ही फॉलो करना है। बीच में काफ़ी सारे शॉर्ट ट्रेल बने हैं जहाँ से भी आप वाटरफॉल तक जा सकते हैं, लेकिन आपके पास ऐसा गाइड होना ज़रूरी है जो फॉरेस्ट को अच्छे से जानता हो। शॉर्टकट ट्रेल लेने के करीब 30 मिनट बाद हम पहुँचे ये ब्यूटीफुल स्ट्रीम के पास, जिसके ऊपर ये खूबसूरत सा हैंगिंग ब्रिज है। अभी ये हैंगिंग ब्रिज क्रॉस करके हम आगे जाएंगे। तो फाइनली हमने हैंगिंग ब्रिज क्रॉस कर लिया है और जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ही हमें दूधसागर वाटरफॉल की ये पहली झलक देखने को मिली है। बहुत ही रोमांचक नज़ारा है ये। लगता है अब हम थोड़ी देर में वाटरफॉल बेस तक पहुंचने वाले हैं।
तो इसी बीच में चलते चलते ही आपको ये सेंचुरी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इंडिया के वेस्टर्न घाट में स्थित ये है भगवान महावीर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये गोवा का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है और गोवा कर्नाटका बॉर्डर पे आता है। इसको मोलेम नेशनल पार्क भी कहा जाता है और ये अपने डेंस फॉरेस्ट और रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही फेमस है। अगर आप मानसून सीजन में यहाँ पे ट्रैक करने आते हैं तो आपको काफ़ी सारी बातों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि आपके क्लोथ्स फुल स्लीव के होने चाहिए। यहाँ पे आपको बहुत सारी लीचीज़ देखने को मिलेगी, तो फुल स्लीव के क्लोथ्स होंगे तो आप लीच बाइट से बच सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रास्ते में काफ़ी सारी जगहों पे छोटे मोटे स्ट्रीम्स आते हैं, तो आपको वो स्ट्रीम्स बाय फुट ही क्रॉस करने होंगे। तो बी श्योर कि आप एक दो पैर एक्स्ट्रा सॉक्स और टी शर्ट लेके चले, और हो सके तो साथ में आप एक्स्ट्रा पैर शूज़ भी लेके चले। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रैक में स्लीपर या सैंडल का यूज़ ना करें, कंपलसरी शूज़ ही यूज़ करें। फाइनली 3.25 घंटे के ट्रैक के बाद हम पहुंच गए दूध सागर वाटरफॉल। दिल थाम के बैठिए क्योंकि आप देखने वाले हैं इंडिया के 6th टॉलेस्ट वाटरफॉल दूध सागर को, और लीजिए पेश है बहुत ही खूबसूरत दूध सागर का नज़ारा। इसे दूध सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप वाटरफॉल को दूर से देखोगे तो इसका फ्लो आपको दूध जैसा दिखेगा। दूध सागर की थोड़ी सी और बात करें तो यहाँ के लोकल लोग इसको बहुत ही पवित्र मानते हैं और इसको भगवान की तरह पूजते हैं। दूधसागर वाटरफॉल मांडवी रिवर पे स्थित है, जो कि कर्नाटका से निकलती है और पंजिम सिटी के पास अरेबियन सी में मिल जाती है। दूधसागर वाटरफॉल का टोटल फॉल 310 मीटर्स का है। ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं वाटरफॉल के, वो एकदम ओरिजिनल है। ये सारे विजुअल्स मैंने अपने मोबाइल से ही शूट किए हैं। इसमें ना कोई फिल्टर यूज़ किया है और ना ही कोई एडिट किया हुआ है, तो आपको हूबहू दूध सागर का वही एक्सपीरियंस दिख रहा है जो मैंने खुद महसूस किया है। हमने करीब 1 घंटा यहाँ पे स्पेंड किया। यहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है क्योंकि हमने ये ट्रैक वीकडेज़ में किया है। अगर आप चाहे तो इसको वीकडेज़ में प्लान कर सकते हैं क्योंकि वीकेंड में ये प्लेस बहुत ही क्राउडी रहता है। दूधसागर ट्रैक करने के लिए आपको कोई एजेंसी के थ्रू यहाँ पे आना होगा या फिर आप कुलम से गाइड भी हायर कर सकते हैं। अगर आप वीकडेज़ में प्लान कर रहे हैं तो आपको कुलम से गाइड ही हायर करना होगा, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है जितनी भी एजेंसीज दूधसागर में ऑपरेट करती है वो मोस्टली वीकेंड में ही प्लान बनाती है। तो आप वीकडेज़ में कुलम से गाइड हायर करके एक दिन में ये ट्रैक कंप्लीट कर सकते हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रेलवे ट्रैक के साथ साथ अभी जो ये आप ब्रिज देख रहे हैं वो ब्रिज पे जाना भी बंद है, और यहाँ पे RPF का सिक्योरिटी भी लगा दिया है। तो जैसा आपने काफ़ी सारे वीडियोस में देखा होगा कि लोग ब्रिज पे जाके वीडियोस बना रहे, रील्स बना रहे, फोटोग्राफ्स निकाल रहे, तो वो सारी चीज़ें अभी बंद है, इसलिए हम लोग भी ब्रिज पे नहीं गए हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे दूधसागर वाटरफॉल ट्रैक की यहाँ तक की जर्नी। अभी जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से वापस कुलम तक पहुँचेंगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इस ट्रैक के हाफ वे में सेनोलिम करके एक गांव, मतलब छोटा सा एक कस्बा आता है। यहाँ पे अगर आपके पास कुछ स्नैक्स वगैरह नहीं है तो आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, और रिटर्न में यहाँ पे आपको लोकल फूड भी लंच के तौर पे मिल जाएगा। वीकडेज में भी हल्का फुल्का ट्रैफिक रहता है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप मॉर्निंग में हो सके उतना जल्दी ट्रैक स्टार्ट करें, ताकि जितना जल्दी आप वाटरफॉल तक पहुँचेंगे उतना ही आपको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने के लिए काफ़ी सारा टाइम मिलेगा। दूधसागर वाटरफॉल कैसल रॉक स्टेशन और कुलम स्टेशन के बीच में आता है, तो अगर आपको ये वाटरफॉल बहुत ही करीब से देखना है तो आप कोई एक ऐसी ट्रेन जर्नी कर सकते हैं जो ये पॉइंट से गुजरती हो। अभी क्वेश्चन ये है कि कुलम कैसे पहुँचा जाए, तो हमने पुणे से शाम 5 बजे की गोवा एक्सप्रेस में टिकट बुक की थी और दूसरे दिन मॉर्निंग में हम 6 बजे कुलम पहुँच गए थे। दूसरा रास्ता है बाई रोड। अगर आप गोवा घूमने आए हैं या फिर आप कर्नाटका से या फिर कहीं से भी है, तो अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो आपको कंपलसरी प्राइवेट व्हीकल में ही आना पड़ेगा, क्योंकि कुलम तक आने के लिए कोई
पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या फिर कोई दूसरी फैसिलिटीज़ अर्ली मॉर्निंग में अवेलेबल नहीं है। ट्रैक करके हम शाम को 4 बजे कुलम स्टेशन पहुंच गए थे। यहां से 5:20 पे एक मेमू ट्रेन निकलती है जो 1 घंटे में मडगांव पहुंच जाती है। तो अगर आपको 6:30-7 बजे के आसपास की कोई कनेक्टिंग ट्रेन यहां से लेनी है तो आप उसको इजीली ले सकते हैं। तो दोस्तों, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।